वैसे 27 साल से मैं लगातार सक्रिय रूप से राजनीति में हूँ। 2010 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, 2015 में दूसरा चुनाव लड़ा, 2020 में तीसरा चुनाव लड़ा। लगातार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं तीनों चुनाव बड़े मार्जिन से जीता। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार 50,000 वोटों से जीत करके खिले। किस प्रकार चलता हुआ व्यक्ति उस नाले के अंदर गिर जाता है। यहाँ के MLA ने पता नहीं कहाँ काम किया है, क्या किया है, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इस स्थिति को रूपाराम सारण कैसे ठीक करेंगे? सुशासन लाने के लिए राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज बहुत अनिवार्य है। और यहाँ का चेयरमैन दोनों कांग्रेस से है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, तो हमारे यहाँ विकास होगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मैं इस विधानसभा के अंदर पिछले 9.25 साल से घूम रहा हूँ। ऐसे में आप किस तरह से यहाँ पर बाड़मेर विधानसभा में भाजपा का कमल खिला सकते हैं? और हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का है, तो ऐसे में क्या भाजपा के पास एकमात्र विकल्प जो बचा है वो क्या रूपाराम सारण ही है? केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर भाजपा इस बार चुनाव जीतना चाहती है? 100% इस बाड़मेर विधायक के जो काले कारनामे हैं वो उजागर करने के लिए केंद्रीय एजेंसी से यहाँ जाँच करवाई जाएगी। और जिन जिन ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे विधायक हो चाहे विधायक के चहेते हो, वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। मगर आपके भी खुद के भी जो दावेदार है भाजपा के, प्रियंका चौधरी, उनके घर भी तो CBI की रेट पड़ी है, उस पर आप क्या कहते हैं? मुझे इस बात पर बहुत हंसी आ रही है कि कांग्रेस योजना लगी, जब लंपी की बीमारी है, राज्य के गौशाला आयोग के अध्यक्ष है, उनकी आंखों के आगे नंदी गौशाला में सबसे ज्यादा गायों की मौतें हुई। मैं शब्द में मैंने कभी विश्वास किया नहीं, न कभी मैं जीवन में करूंगा ऐसा है। नारे लगाने वाले नेताओं को मैंने देखा है, वो बार बार हारे है। नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं DCN का खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक। और आज हमारे कार्यक्रम में एक मेहमान है, ऐसे नेता जो चौहटन से प्रधान भी है और बाड़मेर विधानसभा सीट से भाजपा के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। ये सीट जहां भाजपा 3 बार लगातार मात खाती आई है, इस सीट को भाजपा की झोली में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जानते हैं खुद इन नेता जी से कि कैसे ये भाजपा को ऐसी सीट पर जिता सकते हैं जहां पर लगातार भाजपा हारती आ रही है। मैं स्वागत करना चाहूंगा चौहटन से प्रधान और भाजपा से दावेदार रूपाराम सारण जी का। तो सर, सबसे पहले स्वागत और धन्यवाद आपका अपने कीमती समय में देने के लिए। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार जी। रूपाराम जी, मैं यहाँ पर आज आपके घर आया और मैं जैसे देख रहा हूँ कि पूरा कमरा आपने आज भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता रहे, जितने भी संस्थापक रहे, उनके पूरे उनको हर तरफ आपने उन्हीं की तस्वीरें लगाई है। क्या प्रेरित करता है आपको भाजपा के लिए, जो आप भाजपा से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं? मैंने जब 1999 में कॉलेज में एडमिशन लिया, उसी समय से मैं ABP के साथ जुड़ा और लगातार मैंने ABP में कॉलेज में काम किया। और 2010 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, 2015 में दूसरा चुनाव लड़ा, 2020 में तीसरा चुनाव लड़ा। लगातार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं तीनों चुनाव बड़े मार्जिन से जीता। मेरा हमेशा भाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा और ये सभी हमारे महापुरुष है, आदर्श है और इनकी जीवनी हम पढ़ते रहते हैं और इनके चित्र देख करके भी हमको इनके बारे में हमेशा याद रहता है। तो कितने साल हो चुके हैं आपको पूरे राजनीति में, एक अनुभव की अगर बात करें आपकी? तो वैसे 27 साल से मैं लगातार सक्रिय रूप से राजनीति में हूँ और मैंने पहला चुनाव 2010 में लड़ा, उसके बाद में लगातार चुनाव लड़ता रहा। 2 चुनाव मैंने प्रधान के लड़े और 3 चुनाव मैंने पंचायत समिति मेंबर के लड़े। 1996 से आप राजनीति में हैं, लगातार जो भी चुनाव आप लड़ते हैं आप बता रहे कि आप वो चुनाव जीत जाते हैं और इस बार तो आप 2023 के चुनाव में बाड़मेर में भी दावेदारी कर रहे हैं। तो जब आप जनता के बीच गुजर रहे हैं तो क्या फीडबैक, क्या रिस्पॉन्स आपको जनता से देखने को मिल रहा है? बेसिकली ये बाड़मेर विधानसभा है, ये भारतीय जनता पार्टी कि ही विधानसभा, इसको अपन मान लेते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ की जनता चाहती है कि कोई भी जो यहाँ से MLA बनना चाहता है वो जनता के बीच में रहे, जनता से रूबरू हो, जनता के हर मुखिया को वो जानता हो, नाम से जानता हो और जनता के सुख दुख में वो हमेशा खड़ा रहे। किसी भी वक्त जनता के अगर जरूरत पड़ती है, प्रजातंत्र के अंदर 2 दायित्व ऐसे है, एक सरपंच और एक विधायक, इनका जनता से सीधा काम और जनता का इनसे सीधा काम पड़ता है। तो यहाँ की जनता बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं जो त्रुटि रही है उस त्रुटि को हम इस बार दूर करेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार 50,000 वोटों से जीत करके खिलेगा। 50,000 वोटों से जीतने की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों के साथ आप उतरेंगे इस बार चुनावी रण में? ऐसा है कि बाड़मेर विधानसभा के अंदर आप सबसे पहले अगर शहर की बात कर लें तो शहर की हालात
इतनी खराब है, बारिश के समय शहर के इर्द गिर्द जितनी भी कच्ची कॉलोनियां हैं वो सारी पानी से भर गई और स्थिति ये हो गई कि शहर का कोई नाला प्रॉपर पानी को निकासी नहीं थी। और सिंधरी रोड के ऊपर तो आप देखोगे ना तो पूरा जमीन जो खेत है लोगों वो पूरा पानी से भरा हुआ है, और उस जहाँ सड़क को पानी पार कर रहा है सिंध रोड पर, वहाँ पर एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था। और शहर की हालात यहाँ इसके बारे में अगर अपन बताना चाहे तो क्या बताएं, यहाँ के MLA ने पता नहीं कहाँ काम किया है, क्या किया है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ की जनता में त्राही त्राही है और जनता चाह रही है कि इस बार 3 बार कांग्रेस के विधायक को जीता करके हमने देख लिया शहर की ये हालात है, प्रॉपर कोई नाली नहीं, प्रॉपर कोई सड़क नहीं, प्रॉपर कोई रोड लाइट नहीं। आप देखो ये हमारी जो आबादी यहाँ बसी हुई है 40 साल से बलदेव नगर और ये जितनी भी कॉलोनियाँ यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ एक भी आपको सिंगल रोड लाइट नहीं मिलेगी, एक भी जगह कहीं नाली नहीं मिलेगी। और देख लो सीवरेज, शहर के सीवरेज की क्या स्थिति है और नालों की क्या स्थिति है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार चलता हुआ व्यक्ति उस नाले के अंदर गिर जाता है, क्या स्थिति है शहर की। लोग इतने परेशान हैं, मैंने बहुत सारे शहरों में घुमा हूँ, मैंने देखा है, लेकिन जितना अहसास इस बाड़मेर विधानसभा के अंदर इस बाड़मेर MLA ने जिस प्रकार किया है इतना अहसास और कहीं पे भी नहीं। इस स्थिति को रूपाराम सारण कैसे ठीक करेंगे? ऐसा है, हम चाहते हैं कि सुशासन लाने के लिए राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज बहुत अनिवार्य है, और भारतीय जनता पार्टी का राज बनता है राजस्थान के अंदर तो डबल इंजन की सरकार बनती है, तो बजट की कोई कमी नहीं रहती है। इस शहर का प्रॉपर लेआउट तैयार करके और पूरी कॉलोनियों के अंदर सीवरेज लाइन प्रॉपर की जाए और इन नालों को प्रॉपर तरीके से जो आगे बड़ा नाला उसे जोड़ करके ट्रीटमेंट प्लांट तक यहाँ के गंदे पानी को प्रॉपर वहाँ तक पहुँचाया जाए और फिर वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट को चालू किया जाए और शहर के अंदर जितनी भी रोडें टूटी हुई है उन रोडों को प्रॉपर किया जाए। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ लोगों ने जितने भी पट्टे लिए हैं प्रत्येक प्लॉट पर 70,000 से 80,000 रुपये लोगों ने नगर परिषद अंदर जमा कराए और लोगों ने उसमें 35,000 रुपये विकास शुल्क के तौर पर जमा कराए। लोगों ने ये उम्मीद रखी कि यहाँ का विधायक और यहाँ का चेयरमैन दोनों कांग्रेस से है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है तो हमारे यहाँ विकास होगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वो जो विकास के पैसे जो नगर परिषद में आए उसके पैसों से इन्होंने क्या किया, ये पुल का रंग रोगन किया और शहर की ये छोटी छोटी लाइटें ऐसी जो सौंदर्यकरण की नींव से इन्होंने लगाई, लेकिन वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है। यानी जो मूलभूत आवश्यकता पर पैसा खर्च करना था वो पैसा इन्होंने मूलभूत आवश्यकता पर खर्च नहीं करके जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ उन्होंने पैसे को खर्च किया है। आज शहर के हालात क्या है, कोई व्यक्ति दुपहिया वाहन से चल नहीं सकता है, गड्ढे के बाद में गड्ढा, गड्ढे के बाद में गड्ढा, स्थिति बहुत बदतर है। इसलिए यहाँ की जनता इस बार चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीतें ताकि हमारा विकास हो सके, प्रॉपर शहर का जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके। आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीता है, मगर जितने भी उम्मीदवार आज तक बीजेपी ने जिन पर विश्वास जताया, चाहे वो मृदुरेखा चौधरी हो, चाहे वो प्रियंका चौधरी हो, चाहे वो कर्नल सोनाराम चौधरी हो, तीनों ने कोई हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अगर बीजेपी रूपाराम सारण पर अपना विश्वास जताती है, उन्हें टिकट देती है, तो कैसे फिर आप यहाँ पर भाजपा को कमर खिलाएंगे? मैं लंबे समय से जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ, मैं इस विधानसभा के अंदर पिछले 9.25 साल से घूम रहा हूँ और हर घर तक मैंने पहुँचने का प्रयास किया। इस 9 साल के दरमियान किसी भी व्यक्ति ने मुझे कोई भी काम बोला और जो काम लीगल था, होने लायक था, वो मैंने कंधे से कंधा मिलाकर उस व्यक्ति के साथ में खड़ा रहा और वो मैंने काम करवाने का प्रयास किया। यहाँ आज से पहले जो भी चुनाव लड़े हैं वहाँ उनकी आपसी सामंजस्य की त्रुटि रही, कहीं न कहीं उनका आपसी तालमेल बड़े नेताओं का नहीं रहा, इसलिए हम पिछड़ते गए। लेकिन इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता एकजुटता में हैं और जनता भी चाहती है इस बार बाड़मेर के अंदर कमल खिलेगा। आप भाजपा से एक मजबूत दावेदार है, आपके समर्थकों की भी बाड़मेर में कमी नहीं है, ऐसे में आप किस तरह से यहाँ पर बाड़मेर विधानसभा में भाजपा का कमल खिला सकते हैं? हमने सबसे पहले प्रत्येक बूथ पर काम किया, जैसे हमारे यहाँ 300 बूथ थे तो प्रत्येक बूथ पर हमने भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो पुराना कार्यकर्ता निष्क्रिय था उसको सक्रिय किया और प्रत्येक बूथ की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को हमने कलेक्ट किया और उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया और काफ़ी समस्याएं हमने समाधान करी। और हमने भारतीय जनता पार्टी का जो प्रॉपर ढांचा है वो सही तरीके से 300 बूथों पर किया। अब 5 बूथ हमारे और बढ़ गए, अब 305 बूथ हो रहे हैं, तो हमने 5 बूथ पर भी अब काम करना शुरू कर दिया। हम प्रॉपर
सारे बूथ पर 305 बूथ पर हम प्रॉपर हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम को खड़ी कर दी है और कर रहे हैं। और हमारे पास जो मैं आज से पहले चुनाव लड़ा हूँ उसके अनुभव को देखते हुए हमने सारी लिस्टें तैयार कर ली है कि विधानसभा के अमुक बूथ पर कितने जो मतदाता है वो बाहर रहते हैं, वो किस प्रकार आ सकते हैं, और कितने मतदाता है जो बीजेपी विचारधारा के हैं, कितने मतदाता है जो उस समय माहौल देख करके इधर उधर होते हैं, वो सारा कैलकुलेशन हमने किया है, सारी फाइलें हमने तैयार कर रखी है। और हम उन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जो इधर उधर रहते हैं, जो उस समय हवा के अनुसार चलते हैं, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया है। और हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का है, और मोदी जी का नाम लेते हर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होने का प्रयास करता है। आप तो यहाँ पर बीजेपी को जिताने की बात करें, लेकिन अगर हम बात जिस तरह से जो चर्चाएं चल रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि भाजपा में जो प्रमुख दावेदार हैं, जैसे कि मान लीजिए कैलाश चौधरी, वो कहीं ना कहीं दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं बाड़मेर विधानसभा में। दूसरे जो दावेदारी कर रहे हैं वो है प्रियंका चौधरी, उनके घर अभी सीबीआई का द्वारा छापा पड़ा, जिसके बाद वो भी सवालों के घेरे में घिर चुकी हैं। तो उन पर भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनकी सुनने में आ रहा है कि उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं गई है। तो ऐसे में क्या भाजपा के पास एकमात्र विकल्प जो बचा है वो क्या रूपाराम सारणी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे कार्यकर्ता है, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, और अपनी अपनी जगह पर सभी सक्षम है। मगर टिकट तो मांग रहे हैं, लेकिन जो लोकप्रियता है उसके उसको अगर देखा जाए तो फिर तो आप ही बचते हैं ना। नहीं, वो हो सकता है मैंने फील्ड में ज्यादा काम किया, मैं जनता के बीच में ज्यादा रहा, जनता के हर काम के ऊपर मैं खरा उतरा होऊंगा या मैंने खरा उतरने का प्रयास किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कोई चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता की भी कमी नहीं है। और हमारे माननीय अगर कैलाश जी चौधरी भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे ज्यादा मतों से वो जीत सकते हैं। अच्छा, परिवर्तन यात्रा बीते दिनों बाड़मेर से गुजरी, वहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी बाड़मेर में आए और उन्होंने अपने भाषण में ईडी और सीडी का एक बयान दिया। क्या केंद्रीय जाँच एजेंसियों का डर दिखाकर भाजपा इस बार चुनाव जीतना चाहती है? डर नहीं है, हकीकत है। अगर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और 100% बनेगी और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 100% इस बार मेरे विधायक के जो काले कारनामे हैं वो उजागर करने के लिए केंद्रीय एजेंसी से यहाँ जांच करवाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सारे भ्रष्टाचार के पर्दे खुलेंगे और जिन जिन ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे विधायक हो चाहे विधायक के चहेते हो, वो सलाखों के पीछे जाएगी। और ये कार्रवाई आप करवाएंगे विधायक के तौर? अगर मैं पावर में आया तो मैं करवाऊंगा, अगर कोई दूसरा विधायक कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से बनेगा तो वो भी ये कार्रवाई करवाने में सक्षम रहेगा और ये कार्रवाई 100% होगी। जितना भ्रष्टाचार बाड़मेर के अंदर हुआ है, नगर परिषद से लेकर इतना भ्रष्टाचार राजस्थान में और कहीं पे भी नहीं हुआ है, और हम भ्रष्टाचार की एक एक परत खोल करके रखेंगे और जो दोषी है वो सलाखों के पीछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप यहाँ मौजूदा विधायक पर तो ईडी और सीडी का जिस तरह से बयान गजेंद्र सिंह शेखावत भी देकर गए और आप भी वहाँ पर ईडी की जो है बात कर रहे हैं, मगर आपके भी खुद के भी जो दावेदार है भाजपा के प्रियंका चौधरी, उनके घर भी तो सीबीआई की रेट पड़ी है, उस पर आप क्या कहते हैं? ऐसा है, वो एजेंसी अपने आप में स्वतंत्र है, उनकी जाँच चल रही है, वो दोषी है नहीं दोषी है वो तो जाँच होने के बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ का जो विधायक है वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबको पता है। तो ऐसे में यदि प्रियंका चौधरी को टिकट मिलती है तो आपको नहीं लगता कि भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि वो अभी सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं घिरी हुई है? वो भारतीय जनता पार्टी के पास में कार्यकर्ताओं कोई कमी नहीं है, चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं कहीं कमी नहीं है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जो फैसला करेगा हम सब उस फैसले को मंजूर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसी समस्या कतई आने नहीं देगी। बीजेपी में तो कहीं ना कहीं चर्चाएं ये भी चलती हैं कि जब जब टिकट किसी एक को नहीं मिलता है तो वो भीतरघात करके जो है नए चेहरे जो आते हैं उन्हें हराने का भी प्रयास करता है, तो उससे समाधान कैसे निकालेंगे आप? ऐसा है कि हर बार क्या होता था कि बीजेपी का जो संगठन था वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ होता था, लेकिन इस बार हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर एकराणु शक्ति केंद्र है वो लेकर के 305 बूथ अध्यक्ष है वो लेकर के सारे संगठन के व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है, उसमें से एक भी हमारा संगठन का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति निष्ठ हो, सभी फूल के प्रति ध्येय निष्ठ है, इसलिए इस बार ऐसी कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप यहाँ बाड़मेर में कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिताने की बात करें, मगर कांग्रेस जो है इस बार योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ रही है, उनका कहना है कि हम जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, फोन बांटना, मिर्च मसाले, यहाँ महंगाई राहत कैंप लगाना, क्या लगता है आपको? ऐसा है, मुझे इस बात पर बहुत हंसी आ रही है कि कांग्रेस योजना लाई, कांग्रेस ने किस प्रकार के फूड पैकेट जनता को बांटे, एक स्वास्थ्य के साथ में भी कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है, और किस प्रकार मोबाइल को लेकर के क्या तरह तरह मची क्या स्थिति है,
और मैं तो कांग्रेस सरकार से कहना चाहता हूं कि आप जब सरकार में आए तो आपने क्या वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, राष्ट्रीय बैंक का एक भी रुपया माफ नहीं किया, युवाओं को क्या काम नौकरियां देंगे, कितने पेपर लीक हुए, क्या स्थिति युवाओं के साथ बीती सबको पता है। कोरोना की जैसी महामारी आई उस समय के अंदर 5-7 होटलों के अंदर इनकी कांग्रेस की सरकार कैद थी, चारों तरफ पुलिस वालों के कितने घेरे थे सबको पता है, और उस समय हमारे केंद्रीय मंत्री केला जी चौधरी किस प्रकार जनता के बीच में घूमे, किस प्रकार जनता की सेवा की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जब लंपी की बीमारी आई और हमारे यहाँ के विधायक जो राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, राज्य के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, और उनकी आंखों के आगे नंदी गौशाला में सबसे ज्यादा गायों की मौतें हुई, वो इलाज तक नहीं करवा पाई। हर जगह हर स्तर पर कांग्रेस इस बार पूर्ण रूप से विफल रही। कांग्रेस के राज मैंने और भी कई बार देखे हैं, लेकिन ये राज जो विफल रहा है ऐसा कहीं पे भी नहीं रहा, और ये कुर्सी बचाने के लिए लगातार लड़ते रहे। और इन्हीं कई मंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, कैसे कैसे ये वक्तव्य दे रहे हैं, जनता वास्तव में सोच रही है कि इनके क्या हो गया है। तो क्या लगता है इस बार कितने वोटों से भाजपा जीतेगी बाड़मेर में? मैंने तो आज से 3 साल पहले भी कहा, 2 साल पहले भी कहा, 1 साल पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर विधानसभा से 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेगी, क्योंकि जनता ने इस बार मन बना दिया है कि इस भ्रष्टाचारी कुशासन वाली इस सरकार, जंगल राज वाली इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, और राजस्थान के अंदर सुशासन के साथ साथ बाड़मेर में भी सुशासन लाना चाहते हैं। ये जनता ने तय कर रखा है, और मैं हमेशा कहता आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि ये यहाँ बाड़मेर की जो सीट है जो इस बार 50,000 से ज्यादा मतों से जीतेगी, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, 100% जीतेगी। बीते दिनों जब परिवर्तन संकल्प यात्रा बाड़मेर पहुंची तो वहां पर आप परिवर्तन संकल्प यात्रा में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तो लाइव होकर आपकी वीडियो भी वहां पर वो बना रहे थे, आप काफी वहां सक्रिय थे, आपके समर्थक वहां जुटे थे, कई गाड़ियों के साथ आप वहां पहुंचे थे, तो जरा उसके बारे में बताइए आप। जब परिवर्तन संकल्प यात्रा बाड़मेर विधानसभा के अंदर घुसी तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मन बनाया कि काश हम इनका ऐसा भव्य स्वागत करें जैसा स्वागत 200 विधानसभा में अन्य कई जगह भी हो न सके। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर के अंदर 200 के आसपास गाड़ियां इकट्ठी करके और उन गाड़ियों के काफिले के अंदर सारे कार्यकर्ता बैठ करके वहाँ सामने हम 7 किलोमीटर आगे मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचे। जब वहाँ हमारे दोनों मंत्री रथ यात्रा को लेकर के वहाँ पहुंचे तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से जम करके स्वागत किया, और जब वहाँ से वो वापस बस के अंदर बैठकर रवाना हुए बाड़मेर की तरफ तो उनको जब ये गाड़ियां कतार में लगी हुई दिखी, 200 के आसपास गाड़ियां जब कतार में दिखी लगी तो दोनों मंत्री जी बस के ऊपर आए और ऊपर आकर के दोनों लाइव भी आए, और पूरा बाड़मेर जब वो काफिला बाड़मेर संडी चौराहे को होकर के रेलवे स्टेशन से होकर के कोर्ट की तरफ मुड़ा था उसमें ऐसा लग रहा था कि पूरा बाड़मेर भाजपामय हो गया है। इतना बड़ा काफिला मैंने भी पहली बार देखा कि गजेंद्र सिंह जी रथ यात्रा के साथ आए, वो केंद्रीय मंत्री है, और केला जी चौधरी भी साथ में आए, तो यहाँ जनता का मन था कि हम इतना स्वागत करें। अच्छा, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने मेरी अगुवाई में स्वागत किया, ये बात ठीक है, लेकिन वो स्वागत सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से ही था, और हम लगभग 200 के आसपास गाड़ियां लेकर। आप तो यहाँ सभी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, मगर भीड़ जुटाने का काम रूपाराम सारण कर रहे हैं, और भीड़ में कुछ लोग क्या ऐसे सुनने में मिल रहा है कि किसी एक नेता की वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, तो उस पर लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, हमारे जैन में नारेबाजी का कोई है नहीं, हम तो विचार परिवार से आते हैं, हम तो काम में विश्वास करते हैं, और सारा भारतीय जनता पार्टी जितने कार्यकर्ता वो सारे हमारा एक ही परिवार है, और हम सभी मिल करके काम करने वाले हैं। मैं शब्द में मैंने कभी विश्वास किया नहीं, मैं कभी मैं जीवन में करूंगा, हम शब्द में मैंने विश्वास हमेशा किया है, और हम शब्द में ही विश्वास करता रहूंगा, क्योंकि हम विचार परिवार से आते हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य है। मैं मेरे नाम से नारे लगाने में कतई विश्वास नहीं करता, और जब जब मेरे कार्यकर्ताओं नारे लगाने का प्रयास किया मैंने उनको वहीं पे रोक दिया, एक भी नारा मेरे नाम से मैंने लगाने नहीं दिया। आप इस तरह की राजनीति पसंद नहीं करते? नहीं, कतई नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके साथी के नारे तो सुनने को बहुत मिलते हैं। ऐसा है, नारे लगाने वाले नेताओं को मैंने देखा है, वो बार बार हारे हैं, आज दिन तक वो कुछ चुनाव जीत नहीं पाए। मैंने जनता के बीच में 3 चुनाव लड़ा, कभी मैंने नारा नहीं लगाया, लेकिन मैं बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखेगी, क्योंकि मैंने दिखावा कभी नहीं किया, और नारा लगाने से अगर कोई जीतता है तो जिन्होंने नारे लगाए हैं वो भी पहले चुनाव लड़े हैं ना, सबको पता है जी।
तो जब आपको पता लगा कि परिवर्तन यात्रा इस तरह से बाड़मेर से होकर गुजरी, कितने दिनों पहले से आप तैयारी पर जुट गए थे, क्या कुछ तैयारियां करी? सभी कार्यकर्ताओं का साथ था, मेरे ऊपर कोई कभी फालतू भार नहीं आया, कार्यकर्ताओं का मन था, सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के आए। और परिवर्तन यात्रा का हमको सिर्फ 3 दिन पहले ही प्रॉपर पता चला कि इतने बजे यहाँ पहुंचेगी, और 3 दिन के अंदर ये सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही अचानक जब कॉलेज परिसर से इतनी सारी गाड़ियां निकलती है तभी यहाँ के लोगों को पता चलता है कि ये स्वागत के लिए जा रहे हैं। उससे पहले न तो मीडिया में किसी को पता था, न ही भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को पता था कि ये स्वागत होने वाला है। अच्छा, आप केंद्रीय मंत्री से भी मिले, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे, क्या मुलाकात में बात हुई? वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि इस बार बाड़मेर के अंदर कमल खिलेगा। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इस बार कमल जो खिलाएंगे रूपाराम सरण खिलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो मेहनत सबकी काम आएगी और मैं मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी, मैं दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मेहनत करके नींद को भी त्याग करके उसको जिताने के लिए पूरा प्रयास करूं। तो ये सुना आपने चौहटन से प्रधान और बाड़मेर से बीजेपी में भाजपा में दावेदारी कर रहे रूपाराम सारण को, जिनका कहना है कि इस बार पार्टी 50,000 से भी ज्यादा, 50,000 से भी अधिक वोटों के साथ यहाँ बाड़मेर में जीत हासिल करेगी। और इनका यह भी कहना है कि ये जब जब चुनाव लड़े हैं तब तब जीत इन्होंने हासिल की है। तो ऐसे में अब सवाल क्यों और कैसे, तो हमने इनसे पूछ लिया है कि बाड़मेर को कैसे ये ठीक करेंगे, क्या कुछ इनका प्लान है, लेकिन अब जो सवाल खड़ा होता है कि कैसे यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलेगा और क्या इनको टिकट मिलता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइए कि रूपाराम सारण को टिकट मिलना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो रूपाराम सारण की विचारधारा है, इनके जो प्लान है, इनका जो विज़न है बाड़मेर को लेकर, वो सभी लोगों तक पहुँच पाएँ और वो अपना एक मतदान के लिए जो निर्णय है वो ले सके।